नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है और इस हथेली को हम अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये मेल हथेली है, तो हथेली का जो आकार है यहाँ पे वो चौकोर किस्म का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी हथेली का आकार चौकोर किस्म का होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत अच्छा होता है, योद्धा किस्म की हथेली है और मेहनत करने से नहीं कतराते हैं ये लोग। लेकिन देखिएगा, हमारी चाहे कुंडली में हो और चाहे हमारी हथेली में हो, जो ग्रहों की स्थिति रहती है ना, उसी के अनुरूप हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो शनि का ग्रह है वो यहाँ पे वर्तमान समय पे बकरी अवस्था में है, मतलब यहाँ पे जो है ये कटा हुआ सांप क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। तो शनि जो है यहाँ पे आपकी हथेली में रुष्ट अवस्था में हो, और देखिएगा जब शनि रुष्ट अवस्था में होता है ना, तो नौकरी के मामले में बहुत ज़्यादा मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में आते हैं, रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा मुश्किलें व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। देखिएगा, अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना, वो पूरी तरह इन्हीं शनि महाराज जी के अंडर में होती है, इन्हीं के अधीन में होती है। जातक को, मान व्यक्ति को जिनका हाथ है उसको जातक कहते हैं। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका शनि ही होता है। और शनि हथेली में कहाँ रहता है, शनि हथेली में जो ये आपकी मिडिल फिंगर है, जिसे हम अंग्रेजी में मिडिल फिंगर कहते हैं और हिंदी में मध्यमा उंगली कहते हैं, बीच की उंगली कहते हैं, उसके नीचे ये जड़ वाला जो भाग है ये शनि ग्रह है, ठीक है ना। तो नौकरी का मालिक है ये शनि ग्रह है। हालांकि आपका जो कारोबार है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए हमारा ये जुपिटर का माउंट, जिसे आचार्य बृहस्पति जी कहते हैं, ये जिम्मेदार होता है। लेकिन नौकरी के मामले के लिए ये शनिदेव ही जिम्मेदार होते हैं। जब आपकी हथेली में हो या आपकी कुंडली में हो शनि बेहतर ना हो न, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, आपका शनि अगर इस तरह से बिगड़ा हुआ है, बकरी अवस्था में है, तो व्यक्ति को जो है गड़बड़ है, रुष्ट है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी लेंगे, 1% अगर आपको नौकरी मिल भी गई तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, ये जब बकरी स्थान में होता है तो चाहे आप व्यापार कर रहे हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, तो ये आपके रोज़गार को छीनने का काम करता है, क्योंकि शनि क्या है, बकरी अवस्था में है। तो जब ये बकरी अवस्था में होता है तो व्यक्ति जो है चाहे कितना भी खुशहाल हो, जीवन में सब कुछ उसके हो, लेकिन कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है या खुशियों में ये कमी करने का काम करता है। जब शनि आपकी हथेली में इस तरह से बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हो तो व्यक्ति या तो धोखा देता है या तो खुद धोखा खाता है, मगर ये धोखे का शिकार हो जाता है। दूसरी बात, इस तरह से बहुत ज़्यादा उठा हो तो व्यक्ति को बेमतलब की चिंताएं सताने लगती हैं, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में घर कर जाती हैं। यही जो है आपकी हथेली का शनि इस समय बता रहा है। मैं आपको लिख करके विधिवत तरीके से जो है शनि की उपाय दूंगा, उनको उसी हिसाब से करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, आपका जो यहाँ पे बृहस्पति जी हैं,
अगर हम जुपिटर माउंट की बात करें तो ये जो इंडेक्स फिंगर है आपकी, जो तर्जनी उंगली है आपकी, इसके जड़ वाला ये भाग जो है यहाँ पे बृहस्पति कहते हैं। हमारे देखिए हमारे जो हथेली है ना उसमें दो आचार्य बैठते हैं, एक देवताओं के गुरु होते हैं, ये तर्जनी उंगली के नीचे बैठते हैं। जो ये इंडेक्स फिंगर है इसका जड़ वाला भाग जो है ये जुपिटर का माउंट है, ये गुरु बृहस्पति है, ये देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं। और एक आचार्य हमारे हथेली में और बैठते हैं, ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है उसको हम वीनस कहते हैं, शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं, और भगवान शंकर जो है ना त्रिपुरारी हैं, जो उनके ये शिष्य हैं, भगवान शंकर के शिष्य हैं, और हमारे जीवन में ये भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक हैं, दाम्पत्य जीवन के सुख का मालिक है, मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, जीवन में किसी भी प्रकार का सुख हो, लग्जरियस जीवन हो, यही देते हैं। आगे आऊँगा इस बारे में बताऊँगा, लेकिन हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। फिलहाल आपका जो जुपिटर का माउंट है ना, जिसे हम आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा, मतलब साधारण भाव में बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, और शनि की तरफ झुक रहे हैं, मनी युक्ति बना रहे हैं। और जब ये शनि की तरफ झुकते हैं, शनि का पर्वत भी कमज़ोर होता है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति को कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में ये धन का पर्वत बृहस्पति साधारण भाव में बैठे हुए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी जो है साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, देखेगा हंसमुख स्वभाव जरूर रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना, परोपकार का स्वभाव जो है रहने वाला है, लेकिन आर्थिक पक्ष बहुत उच्चतम नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत लो भी नहीं होगा लेकिन बहुत उच्चतम नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक हिसाब से दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक रहने वाला है, मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यश की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रह सकता है, स्वतंत्रता और लीडर की शिव की जो चाह है वो बनी रह सकती है, यहाँ पे इस चीज़ की जो है साफ संभावना दिखाई दे रहा है। और देखिएगा एक बात का ध्यान रखिए, जब आपका ये वाला पर्वत मनी आपकी ये उंगली है, इसका जड़ वाला भाग इस तरह से रहता है ना, तो कहीं ना कहीं विद्या में और धन प्राप्ति में बाधा आती है, और व्यक्ति को जो है अपने से बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आती है। जो लोग आपसे उम्र में बड़े हैं या योग्यता में बड़े हैं ना, वे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका बृहस्पति जो है कमज़ोर ऐसा है, कई बार ये ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ज़्यादा जो है निचले स्तर पे आ जाता है, तो पाचन तंत्र भी व्यक्ति का कमज़ोर हो जाता है, और कई बार जो है अगर व्यक्ति मैरिड है, ये बहुत ज़्यादा अगर जो है कमज़ोर हो गया तो संतान को लेकर समस्याएं, संतान को लेकर कष्ट, तकलीफें, इस तरह के जो है बृहस्पति के कारण होते हैं। लेकिन अभी जो है ये साधारण अवस्था में है, तो निश्चित ही जो मैंने बताया वो चीज़ें ये दे रहा है। दूसरा, सरकारी क्षेत्रों में हुआ, किसी भी क्षेत्र में हुआ, अगर गुरु आपका पुष्ट नहीं है, सूर्य आपका पुष्ट नहीं है, पहले तो शनि आपको बहुत गड़बड़ है, नौकरी मिलने तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन फिर भी 1% अगर मिलने की संभावना भी हो, तो अभी जो है आपका बृहस्पति भी बहुत लो हिसाब से है, जिसके कारण अगर खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, आपका प्रबंधन का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या आप ये कहें बैंकिंग का क्षेत्र है, तो इसमें सफलता की प्राप्ति अभी नहीं दिखाई दे रही है। बृहस्पति का भी मैं सुंदर उपाय भेजूंगा, और कम से कम ये उपाय आपको 3 से लेकर 6 महीने तक करने हैं, निश्चित ही ये फलित अवस्था में आएगा और आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।
यहाँ पे सूर्य पर्वत भी देखो, ये हमारी कनिष्ठा है जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें रिंग पहनी जाती है, अंगूठी पहनी जाती है, इसीलिए इसे रिंग फिंगर कहते हैं। और इसका जो ये जड़ वाला भाग होता है ना, इसको हम सूर्य कहते हैं, ये दबा हुआ है। और जब सूर्य दबा हुआ होता है, कमज़ोर अवस्था में होता है, तो व्यक्ति को व्यक्ति की मेहनत का, परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। काम बनते बनते व्यक्ति के बिगड़ जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, तो कहीं ना कहीं, चाहे नौकरी कर रहा हो व्यक्ति, चाहे व्यक्ति व्यवसाय कर रहा हो, उसमें विस्तार नहीं हो पाता है, फैलाव नहीं हो पाता है। एक सीधी सी बात कहें, सही तरीके से कहें, तो यहाँ पे रास्ता मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है सूर्य की वजह से। आपके तीन ग्रह ऐसे हैं जो यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं, मैंने तीनों के विषय में जो है आपको बता दिया है। अब थोड़ा जो है, हम पूरा हथेली का जो है यहाँ पे विश्लेषण करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम उंगलियों पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, ये आपकी तर्जनी उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये यहाँ पे अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है आपकी हथेली में जो है। ये तर्जनी उंगली, ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे अनामिका मनी, ये रिंग फिंगर है सूर्य की उंगली, इससे अच्छी खासी बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सही ढंग से समझने की कोशिश करें। ये बृहस्पति की उंगली है, और ये जो है यहाँ पे ये सूर्य की उंगली है, उससे बड़ी है, लेकिन आपके शनि की उंगली से छोटी है। ये अच्छा माना जाता है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, गुरु के ऊपर बन रही है ना ये फिंगर। आप कार्य कुशल होंगे, व्यवहारिक भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे, और स्वाभिमानी के साथ साथ जो है औरों पर शासन करने की इच्छा भी प्रबल रह सकती, मतलब ये लीडरशिप के गुण जो है आपके अंदर रहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरी ओर चलें, ये बीच की उंगली देखें, इसे शनि की उंगली कहते हैं, ये सीधी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। शनि के अच्छे खासे गुण आ रहे हैं, तो मेहनती बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने में कहीं कोई डर नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कायरता नहीं दिखाई दे रही है। वो और है कि शनि जो है प्रभावहीन यहाँ पे है, तो उस वजह से जो है करियर के मामले में, धन के मामले में डवाडोल स्थिति है। यहाँ पे देखोगे, जो आपकी रिंग फिंगर है जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, ये पूरी तरह से जो है शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी रिंग फिंगर, हमारी सूर्य की उंगली जो है शनि की तरफ ढलती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति की जो इच्छा रहती है प्रबल रूप से धन पाने की और फेमस होने की, फेम पाने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा रहती है, ये आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम कनिष्ठा उंगली की ओर चलें, जिसको हम बुध की उंगली कहते हैं, ये मरकरी का माउंट है, मानी बुध का माउंट है, और ये बुध की उंगली है। यहाँ पे देखोगे, ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन लंबवत खड़ी है। थोड़ा आप यहाँ तक नाखून बढ़ा लें तो बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो है आपकी उंगलियों का झुकाव, इसका भी हल्का झुकाव इधर है, इसका भी इधर है, और इसका भी हल्का इधर है, चाहे उंगलियाँ कैसी भी हों, लेकिन बृहस्पति की ओर झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बृहस्पति का माउंट है, जुपिटर का माउंट है, सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की ओर दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे विचार में जो है स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है, क्योंकि सीधी सी बात है गुरु पर्वत से सभी उंगलियाँ जो है यहाँ पे प्रभावित हो रही है, तो इस तरह के लीडरशिप के गुण आपके अंदर ये देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं थोड़ी सी जो है
आपके रेखाओं के ऊपर कि आपकी हथेली की रेखाएं क्या कह रही हैं। इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे खर्चीला स्वभाव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपकी जो हृदय की रेखा है ये एकाएक जो है सूर्य पर आके रुकती हुई दिखाई दे रही है, नहीं शनि के नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा सफलता में सफल होंगे, अपने जीवन में सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी जब जीवन का विकास हो जाएगा और भाग्य रेखा का प्रबल प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित ही जो है यहाँ पे सफलता दिखाई दे रही है। सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन स्वार्थ की भावना सबसे ज़्यादा आपके अंदर रहने वाली है। अपने हित के लिए और या अपने हित के आगे किसी की नहीं सोचेंगे, अपना हित सर्वोपरि रहेगा। परम स्वार्थ की भावना जो है घर कर जा कर सकती है। इस तरह की जो है आपकी हृदय रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि केवल और केवल जो है अपना ही हित यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पहले अपने को ठीक करें तब और चीज़ देखेंगे। यही चीज़ें जो है आपकी हृदय की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा देखें और आपकी जीवन की रेखा देखें, इनके बीच में यहाँ पे बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। अमूमन इतना बड़ा गैप नहीं रहता है और जब इतना बड़ा गैप रहता है तो व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दीपन किस्म का रहता है, मानी स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्ति, अपना मन का मालिक होता है ऐसा व्यक्ति, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहता है ऐसे लोगों का। किसी के कंट्रोल में किसी के अंडर में ऐसे लोग ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता अच्छी रहती है। पुराने ढर्रे पे चलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। नए आइडियाज पे काम करने वाले व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, छोटी उम्र से ही ऐसे लोग ज़्यादातर मामलों में रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी निभाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गैप है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति कई बार गलत निर्णय ले लेता है और उन गलत निर्णयों के कारण इनको पछताना भी पड़ता है और अपने विकास को भी ऐसे लोग अवरुद्ध कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी जो है यहाँ पे संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। हाँ, यहाँ पे जो है माइंड लाइन मनी मस्तिष्क की लाइन, ब्रेन की लाइन पे गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, ये बहुत अच्छा है। अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, लेकिन गुरु का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन गुरु जो है अस्त अवस्था में है, जिसके कारण जो है जो सूझबूझ है, जो दिमाग है, वो काम नहीं कर पा रहा है ठीक से। यहाँ पे ये चंद्रमा पे आ रहा है, लेकिन चंद्रमा और मंगल जो है अच्छी अवस्था में नहीं है, जिसके कारण थोड़ा चिंतातुर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो माइंड है वो चिंतातुर है यहाँ पे, और कभी कभी जो है थोड़ा गुस्सैलपन जो है यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है, इस ओर इशारा कर रहा है। हाँ, आपकी जीवन की रेखा जो है यहाँ पे इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो हमेशा बना रहेगा, लेकिन उन्नति भी बहुत अच्छी करेंगे। यहाँ पे एक रेखा इधर को जा रही है। आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में विदेश यात्रा का बहुत सुंदर मौका मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव निरंतर बने रहेंगे। भाग्य रेखा आपकी इधर से निकल करके और इस तरफ से जा रही है, और जब भी हमारी भाग्य की रेखा, ये करियर की रेखा भी है और ये धन की रेखा भी है, जब भी ये रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि पर्वत पे जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास हमेशा हर दिन जो है पैसा आता है और अच्छी खासी मात्रा में आता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में जब भाग्योदय हो जाता है तो वाहन का सुख बहुत सुंदर मिलता है,
मकान का सुख बहुत सुंदर मिलता है, एक लग्जरी मकान ऐसे व्यक्ति का रहता है, और व्यापार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो उस समय जो है भाग्य स्थान का भी अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है और चंद्रमा का भी अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस लाइन का फायदा मिलता है। कुछ हथेलियों में ये रेखा 38वें वर्ष से अपने फलाफल देने बैठ जाती है, कुछ हथेलियों में ये रेखा जो है 41वें वर्ष से अपना फलाफल देने बैठ जाती है, लेकिन उससे पहले नहीं देती है, उससे पहले कदापि नहीं देती है, केवल संघर्ष कराती है और धन के मामले में अभाव की स्थिति रखती है। करियर के मामले में व्यक्ति कहीं सेट नहीं हो पाता है। 38वें वर्ष से या 41वें वर्ष से ही जो है जीवन में सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी हथेली आपको नौकरी की तरफ न ले जा करके वर्तमान स्थिति में व्यापार की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी व्यापार भी जो है बहुत मंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ उपाय दूंगा, ज़रूर करिएगा, तभी जो है आपको सफलता की प्राप्ति यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अब हम जो है आपके अंगूठे की ओर चलें और आपके अन्य ग्रहों की ओर चलें। उससे पहले यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे जो है जब ये रेखा जारी है, एक रेखा यहाँ से निकलकर जो है ये व्यापार की रेखा जो है बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रहा है। बुध हमारा व्यापार का ग्रह है, ऐसे लोग खोजी होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं जिनका बुध बहुत अच्छा रहता है या शनि बहुत अच्छा रहता है। शनि विज्ञान है, मोद है, आप लोगों को पता है। ये व्यापार की रेखा आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापार को नहीं दे रहे, समझने की ज़रूरत है, केवल व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है। लेकिन जैसी जैसी ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अपने भव्य अवस्था में आएगी, वैसे वैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती जाएगी, ये निश्चित है, और व्यापार में जो है अथाह सफलता के योग बन रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये राहु का पर्वत है, लेकिन चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जब राहु पर त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति या तो व्यापार के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में या अचानक धन प्राप्ति के योग ये बनाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम अगर अंगूठे की ओर चले, अंगूठा पूरी तरफ पीछे की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिख रहा है और जब व्यक्ति का शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो होता है तो व्यक्ति लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षण होता है। अपने को सज धज कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने को मेनटेन रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ग्लैमर के प्रति ज़्यादा आकर्षण का भाव रखना, यही चीज़ें आपके अंदर होगी। मनी बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, बढ़िया जूते पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, उनकी तरफ आकर्षित होना, ये चीज़ें जो है हमेशा बनी रहेगी क्योंकि शुक्र से प्रभावित व्यक्तित्व आपका है और ग्लैमर हमेशा बना रहेगा, चाहे स्थिति जैसी भी हो लेकिन ग्लैमर जरूर रहेगा और सुख सुविधाएं जो है जीवन में बनी रहेंगी, इस ओर संकेत ये कर रहा है। पहला पौरवा नुकीला है, लंबा है, तो इच्छा शक्तियां बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन सेकंड पौरवा छोटा है, जिसके कारण जो तर्क शक्ति है, जो लॉजिकल तरीके से तर्क रखते हैं, वो यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूवर्स, सभी दर्शक जानते हैं कि कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में भी शुक्र का पर्वत, शुक्र ग्रह सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता शुक्र आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने को मेंटेन रखेंगे, सज संवर कर रखेंगे, इस चीज़ की ओर भी ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान समय में आपका बृहस्पति बहुत ज़्यादा लो है
और शुक्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी ये जन्म दे सकता है और कहीं ना कहीं अति विकसित है तो मानसिक परेशानी देता हुआ भी ये दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस तरह की लकीरें भी दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, डीपली चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत और कष्ट के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है तो कहीं ना कहीं लग्जरी के प्रति ज़्यादा आकर्षण की भावना यहाँ पे दिख रही है। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा है, पराक्रम अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें असर डालता हुआ ये मंगल आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ अगर हम और देखें, यहाँ पे मैंने ये बता दिया है और अगर हम आपका बुध का अगर हिसाब किताब देखें तो आपका बुध जो है यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा बैठा हुआ है, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर अपना व्यवसाय हो तो उसमें मध्यम स्थिति है। वैसे देखें तो बहुत अच्छा है, सभी ग्रहों के अनुकूल होने पर जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर अगर चलें तो विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध आने वाले समय में सही रूप से विकसित अवस्था में हो रहेगा। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जो है जानेंगे और व्यापार के कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। अभी यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का यहाँ पे बताती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा देखें, देखो चंद्रमा आपका दोनों चीज़ बता रहा है। चंद्रमा के हिसाब से देखें तो थोड़ा मानसिक परेशानी भी दे रहा है, थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी जो है इमोशनली परेशान हो सकते हैं और मन अच्छा नहीं रह सकता है। और जब मन अच्छा नहीं रहेगा तो कई बार डाइजेस्टिव सिस्टम, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी गड़बड़ा जाता है और ख़ासकर नींद आने में दिक्कत की समस्या व्यक्ति को हो सकती है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से ये पुष्ट अवस्था में आएगा तो निश्चित रूप से मन को मजबूती की ओर ले जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा, आप क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी और क्रिएटिव रहेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति है, खासकर अगर यहाँ पे देखें तो अभी नौकरी तो दूर दूर तक यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं उपाय भेज रहा हूँ, उपाय करने की कोशिश करें और थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदल दें। अगर आपने दिनचर्या नहीं बदली, दिनचर्या वही रखी तो जो है सफल होना बड़ा मुश्किल है। दिनचर्या बदलिएगा, निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जिस तरह से शुक्र है, शुक्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, सजावट हुआ या जो है ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, इसमें जो है अगर व्यापार करेंगे तो कामयाबी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। आप उन उपायों को उसी तरह से कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से जो है सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।